के साथ अवंतिका श्रीवास्तव। हरदा की खबर पर विस्तार से अब चर्चा कर लेते हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, विस्फोट के बाद अफरा तफरी का माहौल। मौजूदा स्थिति यह है कि माना जा रहा है कि कई घर भी चपेट में आ चुके हैं, कई लोगों के जख्मी होने की एक बड़ी आशंका है। मगरधा रोड की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, कई मजदूरों के घायल होने की भी खबर। तस्वीरें बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली, भयंकर आग यहां पर लगी है, आसपास मकान भी नजर आते हैं। ये माना जा रहा है कि रहवासी इलाके में भी ये आग फैली है, बहुत व्यापक स्तर तक इसका दायरा बढ़ा। धुएं का गुबार और आग की लपटें ये बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोग ऐसे जो हो सकता है कि इसमें फंसे हुए हों, कई मजदूर जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनके भी घायल होने की खबर, आशंकाएं कई सारी। आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी इस इलाके से दूर भागने का प्रयास करते हुए, उन तस्वीरों में भी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लोग भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे जो आग लगी वो बहुत ज्यादा भयंकर। दूसरी तरफ तस्वीरें उसी स्थल की हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां निरंतर पहुंच रही हैं यहां पर। ये माना जा रहा है कि जनहानि को लेकर भी बहुत बड़ी सूचना हो सकती है, इस हादसे को लेकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। बहुत बड़े स्तर पर हादसे को लेकर जानकारी, बड़ी बात यह है कि कई लोगों के जख्मी होने की फिलहाल आशंका। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। अभी भी ये माना जा रहा है कि जब तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आती है कि कितने लोग मौजूद थे, क्या कुछ हुआ है घटना स्थल पर, यह पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्राथमिकता इस ओर कि अगर कोई फंसा हुआ हो तो उसे बाहर निकाला जा सके, जिस स्तर पर नुकसान यहां पर हुआ है उसको पता लगाया जा सके। चूंकि रहवासी क्षेत्र बताया गया है, फैक्ट्री में विस्फोट हुआ लेकिन महज फैक्ट्री तक ही आग सीमित नहीं रही, कुछ आसपास जो मकान थे उनको भी चपेट में लिया है। 50 के करीब जिनकी संख्या बताई गई है, कई लोग जिनके झुलसने की आशंका है, घायल अवस्था में हो सकते हैं वो मजदूर भी जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह कि प्रशासनिक अमला फौरन सजग रहा, आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने फौरन जानकारी पहुंचाई, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस प्रकार की अफरा तफरी मची है। लोगों के चेहरों पर जो खौफ है वो ये स्पष्ट करता है कि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े दायरे में ये आग फैली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार और आग की लपटें ये स्पष्ट करती हैं कि अचानक से विस्फोट और उसके बाद एक एक कर कुछ और विस्फोटों की तस्वीरें कहीं ना कहीं जान पड़ती हैं। हालांकि अब ये जो स्थिति है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आएगी। प्राथमिकता इस ओर के राहत बचाव कार्य सबसे पहले हो। ये तीन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं, दो तरफ आप देखेंगे जहां जो आग लगी है उसका मंजर, और दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला वहां से लोगों को निकाल रहा है, एम्बुलेंस तक लोगों को पहुंचाना, और एम्बुलेंस को उसके बाद सीधे अस्पताल लेकर पहुंचा गया। कई लोग जो झुलसे हैं बहुत बुरी तरह से चोटिल हैं, फौरन अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं इलाज के लिए, और यह अफरा तफरी बताती है कि संख्या बड़ी हो सकती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कई घायल जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया है, एम्बुलेंसेज लगातार रवाना हो रही हैं घटनास्थल के लिए। बहुत बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेज को भी पहले से रवाना कर दिया गया, जिससे अगर कोई स्थिति बिगड़ती है वहां पर तो उसके लिए पहले से प्रशासनिक अमला और कम से कम अस्पताल का प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैद हो। वहां प्रशासनिक अधिकारी लगातार नजरें बनाए हुए, बड़ी जानकारी। हरदा में जो विस्फोट हुआ उसको लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है, ये एक और बड़ी अपडेट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान ले लिया इस पूरी घटना को लेकर। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हरदा जाने वाले हैं, वो आपको नजर आएंगे कुछ ही देर बाद। हरदा में विस्फोट को लेकर खुद ही मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान, सीधे उनकी तरफ से निर्देश आ गए हैं कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिए, समझे कि आखिर विस्फोट किस स्तर तक पहुंचा है, क्या दायरा है आपका, मौजूदा हालात क्या है, क्या बहुत बड़ी संख्या में लोग चोटिल हुए हैं, ये पता लगाने का प्रयास करें। सहयोगी प्रवीण तंवर हमारे साथ लाइव जुड़न काम करेंगे। प्रवीण, मौजूदा स्थिति बताइएगा, अपडेट आपकी तरफ से। जी अवंतिका जी, ये जो मामला है ये बहुत भयानक हादसा हरदा में हुआ है। बगरदा रोड पे ये फटाका फैक्ट्री थी, काफी समय से संचालित ये फैक्ट्री थी। यहाँ पर आज अचानक जो है आग लगी, और जो धुएं का गुबार था, जो विस्फोट की आवाज थी वो कई किलोमीटर तक सुनाई दी। चूंकि ये फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में जो है फटाका स्टोर था, तो आग बुझाने का काम अभी यहाँ पर जारी है, लेकिन चूंकि अंदर बारूद है और फटाके हैं इसके कारण पानी अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए फटाकों में विस्फोट हो रहे हैं रह रह के। और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया। यहाँ एम्बुलेंस हुई, जो यहाँ पर हताहत हुए, जो घायल हुए हैं उनको तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, और उनको लेकर जो है यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। भी है क्या फिलहाल यहाँ पर, अगर हम अगर
आसपास यहाँ पर मकान भी हो, अगर हम हताहतों की बात करें तो उनकी संख्या यहाँ पर काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो फैक्ट्री थी उसमें 100 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर काम करते थे। तो मजदूर महज झुलसे हैं या फिर मकान तक भी आग पहुंची है प्रवीण? नहीं, ये आसपास के जो मकान हैं उनमें उन तक भी विस्फोट पहुंचा, वहां पर जो धमाके हुए उससे वहां की दीवारें टूट गई, वहां पर जो कांच थे, कांच के जो खिड़कियां थी वो फूट गई, वहां पर जो आसपास के लोग थे उनको तत्काल वहां से दूर किया गया और प्रशासन यहां पर मौजूद है, आग बुझाने का काम यहां पर जारी है और हताहतों की संख्या यहां काफी बड़ी हो सकती है। सरकार ने जो है इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए, कलेक्टर भी यहां मौके पर पहुंच चुके हैं और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी आग यहां पर बुझी नहीं है। जी ये भी बताइएगा कि रह रहकर शायद विस्फोट हो रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए हमें जान पड़ता है। घटना स्थल पर आप मौजूद हैं कि अगर हो तो जरा तस्वीरें पहुंचाइएगा। जी की चूंकि घटना स्थल के आसपास जो है पुलिस ने फिलहाल अभी वहां पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और दूर से ही जो है उसके धमाके सुनाई दे रहे हैं, चूंकि वहां से विस्फोट हो रहा, आग बुझाने का काम चल रहा है, इसलिए आसपास अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जी अवंतिका जी, ठीक है, यानी कि अभी करीब नहीं जाने दिया जाएगा। ये भी बताइएगा चूंकि आप ये बता रहे हैं कि मकान भी यहाँ पर मौजूद है, रहवासी इलाका है, कितनी बड़ी संख्या में नुकसान की खबर हो सकती है, दायरा बताइएगा आग का कहाँ तक जा सकता है? लगभग 100 के आसपास यहाँ पर संख्या हो सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो है 150 मजदूर काम करते थे, अंदर कितनी संख्या में पहुंचे थे इसको लेकर अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जी ये भी बताइएगा कि एक तरफ हम तस्वीरें उस समय की भी देख रहे हैं जब अस्पताल ले जाया गया कुछ घायल लोगों को, एम्बुलेंसेस लगातार वहां पर तैनात है? जी हाँ, एम्बुलेंस यहाँ तैनात है, ये जो घायल हैं जैसे किसी को दीवार के पत्थर लगे, किसी को कांच लगे, वो लोग घायल यहाँ पर हुए हैं, उनको यहाँ पर पहुंचाया गया है और उनका इलाज भी जारी है, लेकिन बहुत भयानक हादसा है और न्यूज 18 भी भगवान ईश्वर से ये कामना करता है कि जो लोग हों वो सुरक्षित हों, क्योंकि अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना भयानक हादसा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कामना कर रहे हैं। प्रवीण ये भी बताइएगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान आया है, ऊर्जा मंत्री जल्दी पहुंचने वाले हैं, इसे लेकर खबर है आपके पास? जी हाँ, अभी जो जानकारी मिली उसमें मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने इस मामले में पूरे संज्ञान लिया है और अधिकारियों को भी यहाँ पर तत्काल जो है निर्देश दिए गए हैं और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है हरदा के लिए रवाना होंगे और यहाँ पर ये जो पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो राहत कार्य चल रहा है उसका लेकर जायजा लेंगे। जी ये भी बताइएगा, चूंकि प्रश्न इस चीज को लेकर भी खड़ा होता है कि विस्फोट पटाखा फैक्ट्री में हुआ, आसपास घर होने का इसमें मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि अगर फैक्ट्री है तो ये रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, ये जो फैक्ट्री है इसके आसपास पहले रहवासी इलाका नहीं था, लेकिन जो कि जो लोग इसमें काम करते थे वो धीरे 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 आसपास वहां पर बसते गए और यही कारण रहा कि आसपास वहां मकान थे, लेकिन चूंकि जब ये आग लगी तो जो आसपास के लोग थे वो तत्काल वहां से निकल गए, तो इसलिए ठीक है। चलिए, शायद संपर्क बीच में कट गया है, प्रयास करेंगे दोबारा से हम प्रवीण से अपडेट लेते जाएं। हमारे सहयोगी जो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आसपास मकान भी हैं और हो सकता है कि दायरा उन मकानों तक भी पहुंचा हो, चूंकि विस्फोट की जैसे ही जानकारी लगी आसपास के दीवारों में दरारें आ गई हैं, कांच फूट गए हैं और इसलिए जो उन मकानों में लोग रह रहे थे फौरन भागकर निकलकर बाहर आए हैं और बड़ी जो घटना है वो मुख्य फैक्ट्री में हुई है और इस फैक्ट्री में उस दौरान कौन कौन लोग मौजूद थे ये भी एक बड़ा सवाल है, कितनी बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे ये भी एक बड़ा सवाल। सहयोगी प्रवीण लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवीण बात पूरी कीजिए अपने। जी हाँ, यहाँ पर जो आसपास मजदूर बस गए थे और ये उन लोगों के ही मकान थे, लेकिन चूंकि जब इसमें धमाके शुरू हुए तो जो आसपास के लोग थे वो तो निकल गए, लेकिन फिर भी जो लोग थे, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, उनको यहाँ जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और अवंतिका जी, मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि इस हादसे की भयानकता का अंदाज हम लगा नहीं सकते, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर काफी बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर काम करते थे और उनके अंदर होने की यहाँ संभावना है, लेकिन चूंकि अंदर बारूद है, लगातार विस्फोट हो रहे हैं, अंदर पानी नहीं जा पा रहा है, इसके कारण आग पे जो है काबू, प्रशासन की तरफ से कौन कौन मौजूद है यहाँ पर ये भी बताइएगा।
यहाँ पर कलेक्टर पहुंच चुके हैं, एसपी पहुंच चुके हैं और एसडीएम वगैरह सहित पूरे अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और वो इस पूरे जो राहत कार्य चल रहा है, इस रेस्क्यू चल रहा है, उसको लेकर जो है पूरा ऑपरेशन वो देख रहे हैं। ठीक है प्रवीण, बने रहेगा, लगातार नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट पहुंचाइएगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक तरफ हरदा में हादसा, दूसरी तरफ सक्रिय होते हैं खुद मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री जल्दी पहुंचे वहां पर, अपडेट इससे लेकर। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पर मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक चल रही थी और जैसे ही घटना के बारे में सीएम को पता चला, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल हरदा के अफसरों से बात की, पूरी घटना के बारे में जाना और कैबिनेट बैठक के समय ही निर्देश दिए जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्हें कि तत्काल हरदा के लिए रवाना हो और बैठक खत्म होने के पहले ही तोमर को हरदा के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने पल पल की अपडेट लेने के लिए सभी अफसरों को अलर्ट किया और कहा है कि वहाँ किसी भी तरह की जान माल की बड़ी हानि नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक अमले को अलर्ट किया, मुख्य जो यहाँ पर अफसर हैं जो मंत्रालय में पदस्थ, उन्हें भी कहा गया है कि फील्ड में तुरंत सूचना देकर और जाइए और जो भी यहाँ पर घटना है उसके कारणों का पता लगे। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी जो घायल हैं उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए, उसके लिए चिकित्सा मंत्री भी थे, उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें भी कि तुरंत जा वहां पर सूचना पता करें, डॉक्टरों से बात करें, किसी भी तरह की कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं होना चाहिए। और सीएम पल पल का अपडेट ले रहे हैं, लगातार वो बैठे हुए हैं और पता कर रहे हैं और अफसरों को उन्होंने तलब भी किया है कि आखिर ये घटना क्या हुई इसके बारे में भी पता लगा जाए और वहाँ किस तरह के इंतजाम थे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो स्वास्थ्य अफसर है उन सबको अलर्ट कर दिया गया है और ये कहा गया जरूरत पड़े तो आसपास के जिलों से भी मेडिकल की टीम्स रवाना हो जाए, एम्बुलेंस रवाना हो जाए और जो भी जिस तरह के भी घायल है उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया कराया, जरूरत पड़े तो वहां से शिफ्टिंग भी की जा सकती है। इस तरह लगातार नजर रखी जा रही है और तोमर अभी कुछ ही देर में रवाना हो चुके हैं यहां से, तो जब हरदा पहुंचेंगे तो उसके बाद आगे की स्थिति पता लगेगी कि कितने लोग फैक्ट्री स्थल पर थे, वहां आसपास के क्या हालात थे। तो यहां पर अभी मेडिकल के भी वरिष्ठ अफसरों की टीम भी कुछ ही देर में रवाना होने वाली है, तो सक्रियता के साथ सारी घटना पर नजर रखी जा रही है, पल पल पर नजर खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनकी तरफ से बताया गया है कि सक्रिय रहना इस पूरी घटना को लेकर। विधायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरके दुबने जी, बहुत स्वागत आपका करती हूँ। आरके जी, न्यूज 18 पर ये जरूर बताइएगा कि इसे लेकर आप तक जानकारी पहुंची है क्या, हरदा के हादसे को लेकर? बिल्कुल जानकारी पहुंची, मैं भी पहुंचा हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ अभी और बहुत बुरी घटना है। इस घटना में देख रहा हूँ मैं, घटना में काफी लोग इंजर्ड हुए हैं और ये घटना, ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ की हरदा में जो शहर के बीच में फैक्ट्रियां चल रही थी, प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसकी शिकायतें भी बार बार हुई। इसके पहले भी कोई घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं हुई, एक एक दो लोगों की डेथ हुई है, पर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो चल रही है फैक्ट्रियां, दो तीन फैक्ट्रियां चल रही है यहाँ पे। रहवासी क्षेत्र भी बताया गया है, ये भी बताया गया कि मकानों को भी चपेट में लिया है आग ने। बिल्कुल रहवासी क्षेत्र में है, आसपास के मकानों भी टूट गए हैं और पूरा शहर हिला है के पूरे मकानों के कांच फूट गए हैं, आसपास की बिल्डिंगों के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कांच फूटे हैं, बिल्डिंगें हिल गई हैं। इस टाइप का विस्फोट हुआ है जैसे भूकंप होता ना, इस टाइप का हुआ है। और आसपास के जो लोग वहाँ तोड़ रहे, मतलब वहाँ से निकल रहे थे, वो लोग घायल हुए हैं, बाहर जो फैक्ट्री के आजू बाजू से रहते थे वो घायल हुए हैं और ये 40-50 लोग तो वहाँ अस्पताल तक पहुंचे हैं घायल, बाहर वाले अंदर तो अभी घुस नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर विस्फोट अभी चल रहा है, फटाके फूट रहे हैं अंदर, तो और भी क्या स्थिति है, इसलिए बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें दोगने जी की सामने आई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण निश्चित तौर पर, ये भी बताया गया कि ऊर्जा मंत्री पहुंचने वाले, उनसे आपकी बात हुई है क्या, प्रशासनिक अमला मुस्तैद है यहाँ? जी जी, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार यहाँ? प्रशासनिक अमला तैयारी का बैठा है, अस्पताल में भी पूरी तैयारी से है, एम्बुलेंस यहाँ भी खड़ी है, सब चीजें, सब तैयारी तो पूरी है, सब लोग लगे हुए हैं, इससे कोई वो नहीं है, पर ये लापरवाही, पुरानी लापरवाही जो है वो आज भुगतना पड़ रहा है। चलिए, इस पर बात करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दोगने जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, चूंकि वो मौके पर पहुंच रहे हैं। आरके दोगने कांग्रेस विधायक हैं और घटना स्थल के लिए सीधे रवाना हो चुके, उनकी तरफ से कहा गया है प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद, यहां पर दमकल की गाड़ियां लगाई गई हैं। शैलेंद्र, आपके पास फिर से लौटना चाहूंगी, जो कि बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आती है, कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं, कुछ ऐसे दृश्य भी जिसमें कुछ लोग जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं, कई सारी चीजें हैं, कई सारी परिस्थितियां एक साथ हैं, मुख्यमंत्री तक जानकारी पहुंचाई गई है इन तस्वीरों को लेकर?
बुलेटिन भी मंत्रालय में ही मौजूद था क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक चल रही थी। उसी समय जैसे ही ये घटना हुई तो वहां पर जो भी स्टाफ था उन्हें पता चला, जो भी अफसर थे उन्होंने तुरंत जाके सीएम को भी जानकारी दी, सीएम को भी अपने स्तर पर सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने उसी समय संज्ञान लिया, सबसे बात करना शुरू की कि आखिर क्या हुआ है, पूरी घटना के बारे में पता किया, वहां कलेक्टर से भी बात की, एसपी से भी बात की और उन्होंने पता किया पूरा घटनाक्रम। उसके बाद सबको अलर्ट रहने को कहा कि सबसे पहले जो भी घायल है या इस तरह की कोई बड़ी जानमाल की घटना नहीं होना चाहिए, उस पर निर्देश दिए, सभी को अलर्ट किया और ये भी कहा कि यहाँ से जो प्रद्युम्न तोमर खुद जो मंत्री हैं वो यहाँ बैठक में ही मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप तत्काल रवाना हो जाइए और उन्होंने फुटेज को भी देखा कि आखिर पटाखा फैक्ट्री के बारे में ही पूछा कि कब से चल रही है, इसके बारे में उन्होंने सारी जानकारी भी ली और अब इसके बाद जो भी जाँच होगी घटना के कारणों का वो उसमें पता समय लगेगा कि आखिर क्या वजह रही, किसकी लापरवाही थी। लेकिन उनकी सीएम के तेवर भी कड़े थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर घटना में कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल सीएम की मनसा बिल्कुल साफ है कि इस मामले में अगर कोई भी दोषी निकलेगा इसके पीछे जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उन्होंने अफसरों को तलब करके सब बात भी की है, यहां से लेकर पीएस जो है ऊर्जा, इसके अलावा जो प्रशासनिक अमला है सीएस और जो सभी मौजूद थे अफसर उनसे भी बात की कि आखिर घटना क्यों हुई, क्या इसके बारे में तत्काल सारी ब्रीफिंग दी जाए और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी सबका समुचित इलाज होना चाहिए, किसी तरह की कोई और जो घायल है उनका इलाज हो ताकि कोई कैजुअल्टी बढ़े नहीं, इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें जो निश्चित तौर पर भयानक हैं, ये दर्द भी बयां करती हैं हरदा के लोगों का, ये बताती हैं कि घटनास्थल पर क्या स्थिति है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है, साथ ही साथ ये उम्मीद भी हम कर रहे हैं, ये प्रार्थना हम लगातार कर रहे हैं कि बहुत व्यापक स्तर पर इसका नुकसान ना झेलना पड़े, जनहानि की सूचना ना निकलकर सामने आए। लेकिन जो बता रहे हैं वहां पर हमारे सहयोगी, वो निश्चित तौर पर डरा देने वाला है, भयानक है, चूंकि बहुत बड़े दायरे पर आप इसका विस्फोट का असर भी देखेंगे, असर बहुत दूर से ही आपको नजर आएगा और विस्फोट के ठीक बाद की शायद कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जिसमें सामान बहुत बिखरा पड़ा हुआ पाया गया है और कुछ लोग हैं जो जमीन पर शायद पड़े हुए हैं, बेसुध हैं, ठीक है कि नहीं इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं निकलकर सामने आई, चूंकि ये बताया गया है हो सकता है कि पुराना वीडियो हो सकता है कि प्रशासनिक अमला उन लोगों तक पहुंचा हो सहायता देने के लिए। ये तस्वीरें जो निश्चित तौर पर डरा देने वाली, हरदा का ये विस्फोट दिल दहला देने वाला और इसकी जो गूंज है वो मुझे लगता है कि भोपाल तक पहुंची और इसी के चलते मुख्यमंत्री बहुत संजीदगी के साथ इस पूरे मसले को लेकर नजरें बनाए हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, बताया ये भी गया है कि बहुत ही जल्द ऊर्जा मंत्री घटनास्थल पर पहुँचने वाले हैं, जो विधायक हैं वो भी घटनास्थल तक पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला पहले से ही पहुंच चुका है, एसपी कलेक्टर मौके पर तैनात हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि दमकल की गाड़ियां कहीं भी कमी ना पड़े, एम्बुलेंसेस की कहीं ना कमी पड़े। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मुझे लगता है कि इस हादसे को लेकर अगर मुख्यमंत्री के पास जानकारी पहुंची है तो पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए होंगे कि कहीं भी स्थिति बिगड़े ना, और ये हम उम्मीद भी कर रहे हैं। शैलेंद्र, भोपाल से कोई अतिरिक्त सहायता को लेकर कोई जानकारी है क्या या आसपास के जिलों से लेकर? बिल्कुल, अभी कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम सबसे पहले इस घटना का पता चलते थे सबसे पहले वहां पहुंचे चेंबर में और उन्होंने जाकर सबसे पहले उनसे हम जानकारी लें, क्योंकि जब जब इतने बड़े स्तर पर हादसा होता है तो यह माना जाता है कि आसपास के जिलों से जो दमकल की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेस हैं, उनको पहले से मुस्तैद रखा जाए, उनको पहले भेजा जाए जिससे कहीं भी राहत बचाव के कार्य में कहीं कोई कमी ना आए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरदा का, यह विस्फोट कितने बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह जरूर बताया गया है कि रहवासी इलाका आसपास है, क्योंकि जो मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते थे उनके जो परिवारजन है वो आसपास मकान बनाकर यहां पर रहने लगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत होता है, जब कोई फैक्ट्री किसी क्षेत्र में संचालित की जा रही हो तो आसपास रहवासी क्षेत्रों को मंजूरी नहीं मिलती है। विधायक की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ ना कुछ अनैतिक यहां पर जरूर था
और इसी के चलते इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। हालांकि प्राथमिकता इस ओर है, हम लगातार कह रहे हैं प्राथमिकता इस ओर है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हों उन्हें निकाला जा सके, और अगर झुलसे हों, बुरी हालत हो, तो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जा सके, इस ओर प्रशासन लगातार ध्यान दे रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अतिरिक्त सहायता को लेकर मैं जानकारी आपसे चाह रही थी। शैलेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुला ली है, वो बैठक बुलाकर उन्होंने सभी अफसरों के साथ बैठे हुए हैं अभी मंत्रालय में, और अभी उन्होंने तत्काल हेलीकॉप्टर से जो प्रमुख आला अफसर है उन्हें जाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें एसीएस अजीत केसरी को निर्देश दिए गए हैं, डीजी होमगार्ड है उन्हें निर्देश दिए गए हैं, इसके अलावा जो मंत्री हैं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह उन्हें भी तत्काल कहा गया है कि वो यहाँ से रवाना हो जाएं। तो सभी प्रमुख जो अफसर हैं एसीएस हैं, जो अजीत केसरी सीनियर अफसर है, उन्हें भी तत्काल हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम आपात बैठक ले रहे हैं, पूरी घटना की पल पल की जानकारी ले रहे हैं, वो लगातार सबसे बात कर रहे हैं कि घटना के पीछे क्या कारण है। इसके अलावा यहां से जो टीम जाएगी, अब ये हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगी, उसके बाद वहां की जो वस्तु स्थिति है मौके पर घटना स्थल पर और किस तरह के इंतजाम किए जाने, इसके अलावा एक अतिरिक्त बर्न यूनिट को तत्काल कहा गया है कि तैयार की जाए, ताकि जो घायल हैं, जो क्योंकि विस्फोट हुआ है तो उससे जो बर्न यूनिट को अब बना दिया गया है, मेडिकल से आईसीयू को एक तैयार करने के लिए कहा गया है। तो तत्काल जितना भी मेडिकल का अमला है वो भी रवाना कर दिया गया है, 4 से 5 बड़ी एम्बुलेंस भी रवाना कर दी गई है कि किसी भी घायल को इलाज की अवस्था में दम ना तोड़ना पड़े, इसके लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। और सभी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, दमकल कर्मी, चिकित्सा के भी जो वरिष्ठ अफसर है एसीएस सीएस, उन्हें भी कहा गया है कि यहाँ से रवाना हो। तो कुछ ही देर में वहां पर जो आसपास के जिले हैं उनसे भी मेडिकल की टीमें पहुंच जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण अब जो इंतजाम है वह यह है कि जो घायल है उनको समुचित इलाज मिल सके, और इसी पर अब फोकस किया जा रहा है, और इसी को लेकर सीएम बैठक कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं कि कितने घायल हैं, क्योंकि अभी तक ये संख्या नहीं आ पाई है। वह विस्फोट लगातार हो रहे हैं, ऐसा बताया गया है मंत्रालय में भी कि अभी भी रुक रुक कर विस्फोट की आवाज़ आ रही है, अभी भी आसपास अफरा तफरी का माहौल है। तो क्योंकि आसपास फुटेज में भी देखने में आया होगा कि दूर दूर तक वीडियो भी कि कई लोग दूर तक नजर आए हैं जो कि विस्फोट से फेंका चुके हैं, तो ऐसे लोगों को भी घायलों को ढूंढा जा रहा है आसपास, और सबकी संख्या अभी कितनी है ये एक बड़ी अभी असमंजस की स्थिति कि आखिर वहाँ कितने लोग थे, क्योंकि वो फैक्ट्री बड़ी थी, आसपास से बड़ी संख्या में वह मजदूर आते हैं, और उन मजदूरों का रिकॉर्ड की भी बात आ रही है कि वो रिकॉर्ड रहता नहीं था जितने एक संख्या होती थी। तो अभी सब असमंजस की स्थिति, ये तो वो लापरवाहियां हैं शैलेंद्र, मुझे लगता है कि वो आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर गिनी जाएंगी, ये देखा जाएगा कि क्या अनियमित यहां पर चल रहा था। बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर है कि जब यहां पर फैक्ट्री रही तो रहवासी क्षेत्रों को यहां पर पनपने की परमिशन कैसे दी गई, क्योंकि ये बताया गया है कि फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके परिवार आसपास रह रहे हैं, उन घरों तक भी आग पहुंची है। शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए ना केवल उस फैक्ट्री के आसपास के घर, हरदा शहर का छोटा है, लेकिन जब हमने वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से कुछ बात की, हम लोगों ने भी यहाँ फोन पर कुछ लोग हैं जहाँ हरदा में बात की, तो बता रहे हैं कि आसपास के घर जो शहर के बीच आबादी के घर थे उनके शीशे तक हिल चुके, इतना भयानक विस्फोट था। तो उसकी भयानकता का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि कई किलोमीटर, करीब 10 से 15 किलोमीटर तक पटाखों की गूंज सुनाई दी, ऐसा लग रहा था कि कई बड़े विस्फोट हो रहा है लगातार, इतनी बड़ी घटना। तो जो आसपास के रहवासी जो बस चुके हैं उस बस्ती के आसपास, वही मजदूरों ने छोटे छोटे घर बना लिए थे जिनके झोपड़े बने हुए, वो भी एक बड़ी संख्या। तो अब सबकी, कितने लोग रह रहे थे, कितने परिवार थे, अभी सब असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ऐसा कुछ सामने नहीं आया रिकॉर्ड कि वहां पर 2000 की आबादी थी या 3000 या 500 लोग, ऐसी कोई संख्या अभी तक सामने नहीं आई। तो अभी तो यही बड़ा सवाल है कि आखिर वहां कितने लोग थे, कितने घर बन चुके थे, और अगर ये घर बन रहे थे तो प्रशासन क्या कर रहा था, अफसरों की कितनी लापरवाही है, सब अब जांच का विषय है। उसके लिए भी निश्चित ही सीएम ने बोला है, अभी पता किया है, अफसरों को तलब किया है, तो इन सब बातों के बाद कार्रवाई भी होगी। अभी सबसे बड़ा सीएम की जो निगरानी है वो यही है कि कुछ भी हो, जो घायल हैं उनको इलाज मिलना चाहिए, मौत की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस उसी पर किया जा रहा है, और इसीलिए अभी बैठक लगातार मंत्रालय में चल रही है।
रही है, कुछ ही देर में अपडेट आएगा कि आखिर कितने लोग आसपास थे, कितनी संख्या है और कितने लोगों की मौत हुई है या कितने अभी घायल है और उन्हें किस तरह इलाज दिया जा रहा है। लेकिन तभी यहां से न केवल प्रद्युम्न तोमर जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो रवाना हो चुके हैं, इसके अलावा अब उदय राव प्रताप सिंह भी रवाना हो रहे हैं, एसीएस अजीत केसरी भी जा रहे हैं, डीजी होमगार्ड्स, तमाम जो प्रमुख आला अफसर है जो कि होमगार्ड्स की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है वो भी वहां पर जा रही है ताकि पुलिस हमले के साथ वहां मदद कर सके। बड़ी से बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमले को भी कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। अभी यही सबसे बड़ा सवाल है और यही चिंता का विषय है कि कम से कम मौतें हों। ठीक है शैलेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ, ये तस्वीरें जरूर हम दिखाएं किस प्रकार से अफरा तफरी हड़कंप मचा हुआ है हरदा में। दूसरी तरफ अस्पताल की वो तस्वीरें जिसमें कुछ घायलों को फौरन अस्पताल ले जाते हुए कुछ कर्मचारी आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि प्रशासनिक अमले में से भी हो और हो सकता है कि आसपास के ग्रामीण हो जो मदद के लिए आगे आए हैं। शैलेंद्र, ये भी जानकारी है कि जो सरकारी अस्पताल यहाँ पर हैं, जितने भी अस्पताल यहाँ पर हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि आप बर्न यूनिट में अपनी सुविधाएं बढ़ा दें क्योंकि कभी भी आकस्मिक तौर पर भी आपका इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, जिलों की जो मेडिकल्स की टीम है उन्हें रवाना कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि जितने भी मेडिकल इलाज के उपकरण से वो लेकर रवाना हो जाए। बर्न यूनिट के लिए कहा गया है, करीब 100 से ज्यादा बेड तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि घायलों को जो जितनी भी समुचित इलाज की सुविधा दी जा सके, खासकर क्योंकि विस्फोट का मामला है, बर्न के मामले होते हैं। ठीक है, रोक रही हूं आपको यहां पर, शैलेंद्र मैं लौटूंगी आपके पास, हरदा कलेक्टर की तरफ से क्या कहा गया है ये सुन लेते हैं। सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना है? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। सर, मौत की कोई आंकड़ा आया क्या इसमें? नहीं, अभी नहीं आया है। और सर, इसमें प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है घायलों को उपचार? हम लोग फायर ब्रिगेड्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं और आसपास के जिलों से भी हमने हेल्प मांगी है, वहां से भी जब हमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाएंगी उससे भी हम लोगों को राहत पहुंचाएंगे। तो ये अपडेट जरूर सामने आया है सीएम की तरफ से आपात बैठक और साथ ही साथ कलेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुला लिया है। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ आपात बैठक को लेकर आप जानकारी दे रहे थे लेकिन अगर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया तब आप ये समझ सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ होगा। शैलेंद्र, दिया गया है तो बिल्कुल ही बहुत ही बड़ी घटना है, बड़ा विस्फोट है। हम आपको बता दें कि हरदा के पास इंदौर और भोपाल लगते हैं तो भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज जो हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है और निश्चित ही हरदा में अगर सुविधा नहीं इलाज की तो या गंभीर मामले तो उन्हें रेफर किया जाएगा इंदौर मेडिकल कॉलेज और भोपाल मेडिकल कॉलेज। तो भोपाल एम्स को भी अलर्ट किया गया है, भोपाल एम्स में भी एक बर्न यूनिट स्पेशल तैयार करने को कहा गया। तो आप इससे ही घटना की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितनी बड़ी संख्या में लोग थे और जिला अस्पताल में वहां इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, अभी बड़ा सवाल ये है। और अगर गंभीर, मुझे लगता है शैलेंद्र, बैतूल और नर्मदापुरम का वो क्षेत्र होगा जिसमें अस्पतालों को समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए होंगे क्योंकि सबसे करीबी जिले वही पड़ते हैं। प्रशासनिक अमले की तरफ से जरूर सूचना दी गई है। शैलेंद्र, जिस तरह से कलेक्टर की बात दी आपने।